हेलो एवरीवन, आई एम इंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और कल मेरे पास एक मैसेज आया था, बहुत अच्छा मैसेज था वो, है ना। नॉर्मली हम सब लोग बोलते रहते हैं, बहुत सारी फैकल्टीज भी बोलती रहती हैं कि इजी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना, अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। इजी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना, अच्छे परसेंटाइल आएंगे, है ना। अगर ये बच्चा कल जिसने मुझे मेल किया था ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। कल यूट्यूब पर उसने मुझे किया था मैसेज कि इजी क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है। तो उसको रिप्लाई भी मैंने किया था कि देखो ये मॉक टेस्ट दे दे के प्रैक्टिस में आएगा, है ना। आउट ऑफ 4 सेट्स, अभी तो 4 सेट्स ही आ रहे हैं कि कौन सा इजी, कौन सा टफ है, डुएबल कौन सा है ना। ये आप जब बार बार मॉक दोगे तब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा कि यार ये सेट ईजी है, ये टफ है। तो ध्यान रखना, जितने ज़्यादा मॉक दोगे, अभी भी टाइम है ना, उतना ज़्यादा आपको ईजी सेट चूज़ करने में आसानी होगी। अब लाइक आज के सेट की बात कर लें, दिखने में अब कई बच्चे क्या होते हैं, खास तौर से जो नॉर्मली नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, नॉन इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे सेट देख के छोड़ देते हैं, कई बच्चे मैंने देखा है। लेकिन ये जो 4 क्वेश्चंस थे, आप विश्वास करो, कैट 2021 का अगर मैं बात करूँ सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा था तीनों स्लॉट में, तो वो ये था, है ना। ध्यान से रखो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, तीनों स्लॉट का सबसे आसान क्वेश्चन ये है, है ना। तो इनकेस अगर ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, देखते से ही छोड़ दिया था, तो अभी इसको एक बार मेरे कहने पे ट्राई करो, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन विश्वास करो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका मैं आपको बहुत इजी सॉल्यूशन बता दूंगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है। शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ, द फिगर अबव शोज द शेड्यूल फॉर 4 एम्प्लॉइज ए बी डी टी, अबानी बानी धानी टिन्नी, हुम धोनी सुपरवाइज कर रहा है इन 2020 में। All together, there were 5 projects which started and concluded in 2020, in which they were involved. For each of these projects and for each employee, the starting day was the beginning of a month and the concluding day was the end of a month. And these are indicated by left and right end points. ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना? आखिरी में वैसे तो मैं तो पूरा समझा ही दूंगा। कहाँ गया? एंड पॉइंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल बार्स, द नंबर विद इन ईच बार इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ असाइंड वर्क कंप्लीटेड बाय द एम्प्लॉई फॉर दैट प्रोजेक्ट एज असेस्ड बाय धोनी। धोनी जो उसको काम दिया था उसका कितना परसेंट उसने किया उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। फॉर ईच एम्प्लॉई हिज और हर टोटल प्रोजेक्ट मंथ इन 2020 इज द सम ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स ही वर्क अक्रॉस 5 प्रोजेक्ट, ठीक है। वाइल हिज और हर एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स, देखना एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स इज द वेटेड एवरेज ऑफ द कंप्लीशन परसेंटेज, है ना। वेटेड एवरेज किसका, कंप्लीशन परसेंटेज असाइंड फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विद द वेट्स बीइंग करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मंथ्स, है ना, डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मंथ्स कर लेना। ही शी वर्क इन दिस प्रोजेक्ट्स फॉर ईच प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो टोटल एम्प्लॉई मंथ, फॉर ईच प्रोजेक्ट टोटल एम्प्लॉई मंथ इज द सम ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स 4 एम्प्लॉइज वर्क इन दिस प्रोजेक्ट, है ना। इस प्रोजेक्ट में जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, कितने मंथ तक काम किया, टोटल एम्प्लॉई मंथ हो जाएगा। वाइल इट्स कंप्लीशन इंडेक्स इज द वेटेड एवरेज ऑफ द कंप्लीशन परसेंटेज असाइंड फॉर द एम्प्लॉइज हु वर्क इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये किसकी बात हो रही थी, कहाँ गया? फॉर ईच प्रोजेक्ट, अंडरलाइन कर लो काम की चीज। इंडेक्स तो इसका भी वैसे ही निकालना है, वेटेड एवरेज कंप्लीशन परसेंटेज असाइन फॉर द एम्प्लॉइज हु वर्क इन दिस प्रोजेक्ट विद द वेट बीइंग करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक। अब देखो सीधे क्वेश्चन आ गया, सीधे 2-3 पैराग्राफ थे छोटू से और सीधे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको और आसान लगने लगे। देखो कौन कौन है, ए है, बी है, डी है और टी है। डी टी लाइन सीधी खींचो अंशु, है ना। प्रोजेक्ट 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो। इवन आप ग्राफ देख देख के भी आंसर बता सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा और आसानी से समझाने के लिए ऐसा कर दिया। प्रोजेक्ट 1 में देखो ए है 100% और इसने 2 मंथ लगाए,
2 मंथ लगाए और 100% इसको काम असाइन किया था, वो किया इसने, है ना। फिर प्रोजेक्ट वन में बी है, बी ने भी 100% 2 मंथ में लगा दिए, है ना, 100% काम किया। टी ने भी 2 मंथ काम किया इसमें, 80% इसने काम किया है, टी ने 2 मंथ, 80% इसने काम किया है। प्रोजेक्ट टू पे आ जाओ, डी ने 1, 2, 3 मंथ लगाए, डी ने 3 मंथ लगाए हैं और 90% काम किया है। फिर टी ने 100% काम किया, इसने भी 2 मंथ लगाए, टी ने 2 मंथ और 100% काम किया है। इससे क्या बार बार मुझे चार्ट देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, खट खट में अपने बार जो बनाया है उससे काम कर लूँगा टेबल। थर्ड प्रोजेक्ट, ए ने 2 मंथ 100%, 2 मंथ 100%, बी ने 1, 2, 3, 4 मंथ 75%, 4 मंथ 75%, फिर डी ने 1, 2, 3 मंथ 100%, ठीक। प्रोजेक्ट फोर ने, ए ने 1, 2, 3, 4, 5 मंथ लगा दिए, 4 में ए ने 5 मंथ लगाए और 80% काम किया, है ना। डी ने 2 मंथ 100% और टी ने 1, 2, 3 मंथ 100%, ठीक। प्रोजेक्ट फाइव, बी ने 1, 2, 3 मंथ 90%, डी ने 1 मंथ 100% और टी ने 2 मंथ 100%। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, टोटल प्रोजेक्ट मंथ वॉज द सेम फॉर 4 एम्प्लॉइज। प्रोजेक्ट मंथ देखो सबका ऐड कर देते हैं, ए का कितना है 2 + 2 = 4 + 5 = 9, बी का कितना है 4 + 3 = 9, इसका 3 + 3 + 2 + 1 = 9 और इसका इसका भी 9। पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा, टोटल एम्प्लॉय मंथ 5 प्रोजेक्ट का सेम है, फर्स्ट प्रोजेक्ट का 6 है, दूसरे का 5, तीसरा गलत हो गया, तो ओनली वन ऑप्शन डी। मैंने कहा था ना बहुत इजी क्वेश्चन है, देख देख के आंसर लगाने वाला है। विच एम्प्लॉय डिड नॉट वर्क इन मल्टीपल प्रोजेक्ट फॉर एनी ऑफ द मंथ, है ना। देखो किसने मल्टीपल, पहले एक ही बात करो, देखो यहाँ पे है, फिर इधर है, फिर इधर भी कोलाइड नहीं हो रहा है, ए का कहीं भी कोलाइड नहीं हो रहा है कॉलम वाइज देखोगे तो ए तो इन्वॉल्व नहीं था। बी ग्रीन वाला है, ग्रीन देखो इधर, फिर इधर से इधर तक आ गया, इस कॉलम में कोई नहीं आ रहा, इधर बी भी एक ही प्रोजेक्ट में रहा है किसी पर्टिकुलर मंथ में। डी की बात करें, ब्लैक ये, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर भी, डी भी कहीं इन्वॉल्व नहीं है, एक मंथ में एक ही प्रोजेक्ट में है। टी, टी है येलो, येलो इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये देखो इस कॉलम में ये रिपीट हो रहा है ना सितंबर से अक्टूबर वाले में, तो टी इन्वॉल्व है। क्या पूछा था इन्होंने, नहीं है, तो ए बी और डी नहीं थे, टी था ऑप्शन ए, सिंपल था ये भी। अगला, द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अब देखो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है और इधर इस प्रोजेक्ट टोटल एम्प्लॉय मंथ अलग है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अलग बोल दी। मेजर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मंथ्स इन द टाइम इज द टाइम ड्यूरिंग विच एटलीस्ट वन एम्प्लॉय वर्क इन द प्रोजेक्ट। टोटल नंबर ऑफ मंथ बताएं जिसमें कम से कम एक एम्प्लॉय तो इन्वॉल्व है, है ना। प्रोजेक्ट वन में देखो मंथ कितने लग रहे हैं, टोटल 1, 2, 3, कम से कम एक एम्प्लॉय 3 मंथ तक तो इन्वॉल्व है ना। है ना, फिर ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट वन में कितना मैंने बोला 1, 2, 3, 2 में 1, 2, 3, 3 में 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम देख लो शुरू से आखिरी तक 5, 4 में 1, 2, 3, 4, 5, 5 में यहाँ से चालू हो रहा है 1, 2, 3, 4, तो देखो 1, 2 हैं और 3, 4 हैं, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 तो ऑप्शन में नहीं, 3, 4 दिख रहा है, ऑप्शन डी लगा दो। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन कहीं मिलेगा। 16th, द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनुअल कंप्लीशन, अच्छा कंप्लीशन इंडेक्स हमने पढ़ लिया था,
है ना, वेटेड परसेंटेज जो रहेगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मंथ। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मंथ सबने देखो सेम काम किया है, 999 मंथ, तो इनके से परसेंटेज ऐड कर दो, सबसे शॉर्टकट तरीका, और आंसर लगा देना। ए का परसेंटेज कितना आ रहा है? 100 100 280। बी का कितना आ रहा है? 190 और ये 265। डी के परसेंटेज ऐड कर दो, 390, तो डी सबसे ज़्यादा। फिर टी का 380, तो डी टी ए बी, डी टी ए बी देख लो, डी टी ए बी, डी टी ए बी, डी टी ए बी, ये देख लिया अभी ऑप्शन में, कितना आसान था। अब बताओ ये क्वेश्चन में दम थी? और देखो मैंने कितनी सारी बातें कर ली, फिर भी अभी 11 मिनट चल रहा है, मतलब लेस देन 10 मिनट का ये क्वेश्चन था, 4 सेट आपने, है ना। तो अगर एक आध क्वेश्चन आपका 6 7, मेरे ख्याल से मैंने तो बहुत आराम से समझाया, 6 to 7 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को देखो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। और हाँ, वीडियो कोर्स अगर परचेस करना हो तो ब्रांड के पीछे मत भागो, हमारा वीडियो कोर्स लो, हमारी वेबसाइट catipmint.com/agarcat2023 में देना है तो cat2023 24 में दे रहे हो तो cat2024, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस करने हैं आई एम बेंगलोर वाले, तो /cat300 पे जाके आप अभी भी कोर्स परचेस कर सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।